अपना प्यार अपनापन दिखाना बेकार है। KGF चैप्टर 2 का जितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सभी के सभी फैंस, यहाँ फैंस को और भी ज्यादा इंतजार करवाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पहले ये रिलीज होने वाली थी फिल्म साल 2019 के अंत में, तो वहीं रिलीज डेट पोस्टपोन कर साल 2020 के जुलाई में की गई। लेकिन अब ये रिलीज डेट भी टल चुकी है। इतने वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर जुलाई के किस दिन पर रिलीज की जाएगी KGF चैप्टर 2, लेकिन यहाँ इंतजार और भी आगे अब बढ़ चुका है। पोस्टपोन हो चुकी है इस फिल्म की रिलीज डेट, जो पहुंच चुकी है अब 23rd October of 2020। जी हाँ, 23rd October को अब ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे नॉक्स लकी वॉलपेपर एप्लीकेशन के बारे में। बहुत ही कमाल का ये एप्लीकेशन है। ऐप में 20 कैटेगरी हैं, जिसमें 6 लाख से ज्यादा वॉलपेपर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसे आप आसानी से अपने फोन के होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं। सबसे खास फीचर इसका ये है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम की वीडियोस को आप एज अ लाइव वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं। इस ऐप में आपको ढेर सारे वॉलपेपर के साथ फिल्टर का ऑप्शन भी मिलता है, जिसे आप वॉलपेपर को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे अपने फेसबुक प्रोफाइल स्टोरी या अपने फोन के लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का एप्लीकेशन। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया तो डाउनलोड करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसके पीछे की वजह यह है कि इस फिल्म का जो शेड्यूल था शूटिंग का, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। यहाँ फिल्म को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि कहीं से भी KGF चैप्टर 1 जितनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी, कन्नड़ा की पहली ऐसी फिल्म बनी थी जिसने 200 करोड़ की कमाई की थी हिंदी भाषा में, कहीं उस फिल्म के सामने उसका पार्ट 2 फीका ना पड़ जाए। और इसी वजह से KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी ओर से इस फिल्म के हर एक सीन पर बारीकी से नजर टिकाए बैठे हैं। फिल्म में नजर आने वाले हैं रॉकी के किरदार को अदा करते हुए एक्टर यश, तो वहीं फिल्म के अंदर रीना भी अब दिखाई देंगी, जो कैरेक्टर अदा कर रही हैं। एक्ट्रेस का नाम है स्निधि शेट्टी। वहीं फिल्म के अंदर दो बॉलीवुड स्टार्स भी होने वाले हैं, जिनमें आते हैं फिल्म के विलन यानी कि KGF चैप्टर 2 के विलन संजय दत्त, और दूसरी विलन भी इस फिल्म के अंदर होगी और ये फीमेल है, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा है जिनका नाम है रवीना टंडन, जो कि इस फिल्म के अंदर निभा रही है रमिका सेन का किरदार, एक PM का किरदार, और जो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ रहेंगी रॉकी के और उसके लाइफ में, उसके बिजनेस में, उसके काम में किस तरह अड़चन वो डालती है ये नजर आएगा। तो वहीं अधीरा से रॉकी किस तरह भिड़ता है ये भी दिखाई देने वाला है। तो वहीं फिल्म के बाकी कुछ स्टार का सेम ही होने वाले हैं, जिसमें रामा चंद्रा राजू नजर आएंगे, अर्चना जोशी नजर आएंगी, मालविका विनेश जैसे कई कुछ सितारे अभी भी सेम ही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि KGF चैप्टर 1 जब रिलीज हुई थी तो वक्त था साल 2018 के आखिर का, जहां इस फिल्म को रिलीज जब किया गया तो इस बात की जरा से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी या हो जाएगी। इस फिल्म को जब रिलीज किया जाने वाला था तो किसी को इस बारे में यकीन था ही नहीं। वहीं हर किसी का ये तक कहना था कि फिल्म फ्लॉप होने वाली है, इसे रिलीज किया ही ना जाए तो बेहतरीन रहेगा। लेकिन प्रशांत नील जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी ओर से सोच कर रखा था कि फिल्म तो रिलीज होकर ही रहेगी और अच्छे लेवल पर होकर रहेगी, लैंग्वेजेस कई लैंग्वेजेस में सामने आएगी, और ऐसा हुआ भी। और उनकी जो उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा ये फिल्म खरी उतरी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी 250 करोड़ के लगभग, जहाँ इस फिल्म का बजट ही सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ का रहा था। तो वहीं कुछ एक्स्ट्रा बजट भी इस फिल्म का रखा गया था, जो खर्च हुआ लगभग 50 करोड़ का, जिस वजह से फिल्म और भी बड़े यहाँ प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो पाई और उससे डबल की कमाई कर सामने आई।
अब इंतजार है सिर्फ केजीएफ चैप्टर 2 का और ये फिल्म 23 अक्टूबर को जब सिनेमा घरों में आएगी तो उसे एक महीना पहले ही इस फिल्म का यहाँ ट्रेलर लेकर आया जाएगा, लेकिन उससे लगभग एक से दो हफ्ते पहले फिल्म का टीजर भी सामने आने वाला है। वेल दोस्तों, आप कितना इंतजार कर रही हैं केजीएफ चैप्टर 2 का, ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।